गोल लगातार समाचार बटोर हताश से रिपोर्टर बानी बिहार ब्यूरो पी के मिश्रा जी। खबर के हेडलाइन सुनी, सामाजिक कार्यकर्ता जिला परिषद खाती ठोक दिली ताल। जी हाँ, खबर यह बटुए विस्तार से जानी। सामाजिक कार्यकर्ता रेशमा कुमारी एहबार राजपुर प्रखंड से जिला परिषद खातिर ताल ठोक देले बड़ी। इनका से खास बातचीत पी के मिश्रा जी कहनी तथा पूछनी कि जौन जितना भी कार्यक्रम चलता सरकार के द्वारा ओकरा के कतना धरातल पर सही उतारल जाता है, एक बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सारा चर्चा के बारीकी से जवाब देनी रौरा विस्तार से देख भोजपुरी समाचार को। पी के मिश्रा जी पूछनी कि जल नल योजना, सात निश्चय योजना, तमाम प्रकार के योजना चलता आवे वाला समय में रौरा से का उम्मीद कैल जाए। हालांकि यहाँ के बातचीत से ही लागल कि आवे वाला समय में यहाँ के अपना जिला परिषद क्षेत्र के चौमुखी विकास की ओर ले जाए। लेकिन अब बातचीत के क्रम में यहाँ के सारा कुछ बतैनी कि कौना तरीका से विकास के कार्य के अग्रसर कैल जाए, सब कुछ दिखाई भोजपुरिया समाचार खबर के अंत तक देखिए। जिला के सदन में भेजता है तो ये राजपुर प्रखंड के लिए विशेष आपके मनोमस्तिक में क्या है कि क्या अलग तरह से पूर्व के जिला परिषद से अलग कार्य आप करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये हम लोगों की अपनी ग्रामीण बहनों के लिए ये करूंगी कि उनकी सुरक्षा देख रेख और जो मेरी माताएं बहनें पढ़ लिख नहीं रही हैं उनको मैं पढ़ाई की तरफ आकर्षित करूंगी, पढ़ाने का उनको शिक्षा की ओर उनको आकर्षित करूंगी। दूसरा नंबर कि मैं अगर जो वृद्धा महिला है पढ़ी लिखी नहीं है उनको बस घर में कुछ न कुछ कार्य दूंगी, जैसे कि चटाई बिनना, हैंडवर्क जो भी होता है, हैंडवर्क मीन्स चटाई बिनना हो गया, बिनी बनाना, जो भी इस तरीके का मतलब लघु उद्योग के माध्यम से पापड़ बनाना, अचार बनाना, इन सब पे भी मैं करके इनको आगे सरकार से अपील करकर इन लोगों को कार्य में बढ़ोतरी करने की कोशिश करूंगी। मैं अभी भी प्रखंड एरिया में कुछ ऐसे गाँव है जहाँ की बुनियादी सुविधाओं से लोगों को नहीं मिल रहा है, जैसे कि नल जल। जहाँ जहाँ जा रही हूँ बहुत लोग प्रयुक्त है इस चीज से कि सड़क नहीं भी नहीं, कहीं पे सड़क नहीं है, कहीं पे बीच में ही नाला बना हुआ है, गली बनी हुई है जिस कारण से लोग परेशान हो रहे हैं कि एक एम्बुलेंस भी उनके दरवाजा तक नहीं जा सकती। जिन बच्चियों बच्चा का शादी हो रही है, शादी में उनके दरवाजा तक बाराती नहीं जा पा रही, गाड़ी नहीं जाएगी तो बाराती कहाँ से जाएगी सर? सात निश्चय जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी योजना था, लेकिन धरातल पर अभी देखतीगा कि बहुत जगह कमियां मिलती है। और दूसरा है कि जनता का आरोप है अफसरशाही, अफसरशाही, लोग गांव से ब्लॉक तक आते हैं, हॉस्पिटल तक आते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उसमें आप क्या सुधार लाते हैं? सर मैं जो जो जो, जो विभाग से ये लोग सरकारी वर्ग के लोग मिले हैं मैं उनसे भी मिलूंगी, बात करूंगी, अपील करूंगी और उन लोगों तक की जो जो हेल्प हो सकेगा मैं वो जरूर करने की कोशिश करूंगी। मैडम एक सवाल मेरा है, जैसे कि अभी लगातार कोरोना काल चल रही थी, इसमें आप राजपुर ले भावी प्रत्याशी के रूप में देखी जा रही है, आपने अपना वोटरों के लिए अपना कोरोना में क्या आपका योगदान रहा? सबसे पहली बात मैं वोटर के लिए तो नहीं आई, मैं तो जिस गांव में घूमी हूँ उन माताओं से ये देखा कि उन लोगों ने, बहुत लोगों ने कैंसर से पीड़ित बच्चे हैं उन्हें मैंने मार्गदर्शन दिलाया, ये बताया कि देखो सरकार आपको पैसा दे रही है, रास्ता किस तरीके से चलना, मैंने उनको रास्ता बताया, उनको ये भी कहा कि मैं जहाँ कार्यालय राजपुर में रखी हूँ आप वहाँ पे आइए, ये कागज दीजिए और मैं कंप्यूटर से उनको ऐड करूँगी, जोड़ूंगी और जोड़कर सरकार से मैं अपील करके संसद से मैं लेटर पे या MHC से लेटर पे लिखवा कर इनका फ्री कॉस्ट इलाज का मांग करवाऊंगी। मैं रास्ता उनको बताना चाहूँ जो रास्ता है, पर हमारे जो भी अभी यहाँ के मुखिया है, जिला भाभी है, उन्हें ये रास्ता मालूम होने के बाद भी इस पचरों में वो पढ़ना नहीं चाहते, काम नहीं किया। हाँ, काम नहीं किया उन्होंने। आप अपने क्षेत्र प्रखंड क्षेत्र से जिस क्षेत्र से जिला परिषद की उम्मीदवारी का दावा आप कर रही हैं जी, वहाँ की जनता से आप क्या कहना चाहिए? की जनता को यही कहूंगी कि मुझे जिताइए और बनाइए और पढ़े लिखे भाभी को बनाइए, बनाने से मार्ग आपको सही मिलेगा, सही दर्शन मिलेगी और जो जनूनन काम करना चाहते हैं उन्हें जरूर, मैं नहीं कह रही हूँ मेरे को ही आप बनाइए, जो जनूनन है आपके लायक जनता है उन्हें जरूर वोट दीजिए, मैंने मतलब कि जो उचित प्रत्याशी जनता को दिखे उनको मतदान करें। क्या नाम हुआ मैम आपका? सर मैं रेशमा कुमारी नाम हुआ भोजपुरिया। मैंने हर एक गाँव में भेजिए और हर एक गाँव में भेजने के बाद उनको ये मालूम होना चाहिए कि कौन माताओं को, दीदी को, बहन को मेंस प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रही है, नहीं हो रही है, उन लोग दिखाए। सदर हॉस्पिटल में वैसे डॉक्टर्स यहाँ हमारे बैठाएँ राजपुर में, जो मेरी दीदी बहन को, माताओं को ये चीज़ की हेल्प हो सके,
बहुत सारे मैं गांव में भटक रही हूँ, घूम रही हूँ, अपने जिला पार्षद के लिए बोल रही हूँ, लोगों से जनप्रतिनिधि से अपने रूबरू हो रही हूँ। उनमें हमने ये देखा उन लोगों के बीच की किन्हीं की आधार कार्ड जरूरत उनका ये हो चुका हुआ है, वृद्धा अवस्था हो चुकी है, उनको वो नहीं मिल रही है, क्या नाम है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, किन्हीं का लाल कार्ड नहीं बना हुआ है, किन्हीं को क्या नाम है, जो युवा हो चुके युवा वर्ग के लोग हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो उनको जानकारी नहीं है। सरकार रास्ता दे रही है, माध्यम दिए, उनका जनरल हक दी हुई है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कर पा रहा है कि किस रास्ते से जाए। मैं उनको रास्ता और सहयोग करने के लिए इस क्षेत्र में आई हूँ और स्वास्थ्य विभाग से मैं अपील करती हूँ कि मेरे ग्रामीण महिलाओं बहनों के लिए हेल्प करें, और दूसरे नंबर की जो भी कृषि विभाग के लोग हैं सही कार्य कर सके। मैं इस मार्ग पे उन लोगों को दर्शन दिखाने के लिए मैं इस क्षेत्र में राजनीति में आई हूँ। अगर आपको यहाँ मैडम, आप एक युवा महिला है और आप राजनीति में है, राजनीति में आने का कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? पहले तो मैं अपनी जनता को नमस्कार बोलूँगी। मैं रेशमा कुमारी दादपुर जिला पार्षद से मैं भावी उम्मीदवार हूँ, और मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ, मैं समाज सेविका हूँ, ठीक है। मैं गांव की जनता बोली वाली जो भी मेरी महिला बहन है उन लोगों को मैं सही राह और शिक्षा की ओर ले जाना चाहती हूँ, उनको सही दिशा की ओर दिखाना चाहती हूँ। जो सरकार की तरफ से उनको हक मिला हुआ है वो जनरल हक उनको नहीं मिल पा रहा। मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और उनको मैं ये नहीं कह रही कि मैं उनको उस मार्ग तक पहुँचाऊँगी, उनको बस मैं राह दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग से मैंने अश्वनी चौबे सर से भी बात की थी और उनको मैंने लेटर भी लिखा था कि जैसे हमारे गाँव में बहुत सारी पीड़ित महिलाएँ कैंसर से, तो कैंसर वाले महिला लोगों क्या होती है कि ग्रामीण महिलाएं वो शर्म की वजह से दिखाती।